सकते हैं इस फाउंडेशन को यूज़ करने के बाद। अब ये है मेरा फाइनल लुक। फाउंडेशन काफ़ी अच्छी तरीके से फेस पर सेट हो चुका है। तो आप टाइमिंग देख सकते हैं, यहाँ 2 बजने वाले हैं। 3 आवर बाद फाउंडेशन की कंडीशन हम देख लेते हैं। तो फाउंडेशन ऑक्सीडाइज बिल्कुल नहीं हुआ है, बल्कि फेस और ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ 4 में से मिलानो के इस फाउंडेशन के बारे में। तो ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा फाउंडेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो है काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देखने को मिलते हैं। प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं वो इस फाउंडेशन को यूज़ करते हैं। इस फाउंडेशन के बारे में ये क्लेम किया जाता है कि ये फाउंडेशन एक फुल कवरेज फाउंडेशन है, और अगर आप बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वेदर हो, समर के टाइम पर अगर आप एयर कंडीशनर रूम में नहीं भी बैठे हो और आप इस फाउंडेशन को यूज़ करते हो, तो ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होने वाला। ये वाटरप्रूफ फाउंडेशन है और एकदम मैट फिनिश देता है, बिल्कुल एयर ब्रश फिनिश देता है। तो ये सब बातें जो ये क्लेम करता है, क्या ये सही है, क्या ये रियल में एक एयर ब्रश फिनिश देता है, क्या ये फाउंडेशन हाई कवरेज फाउंडेशन है, क्या ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं होता, और क्या इस फाउंडेशन को आप अगर एक ब्राइड हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको वो पता है कि ब्राइड के ऊपर एक ऐसा फाउंडेशन की ज़रूरत होती है जो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, ऑक्सीडाइज ना हो, और स्वेट प्रूफ हो, वाटर प्रूफ हो। तो ये सभी बातें ये फाउंडेशन क्लेम करता है। तो आज इस फाउंडेशन को मैं आपको लगा के दिखाऊंगी, और इसके बाद मैं 5 से 6 घंटे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फाउंडेशन 5 to 6 आवर बाद जो है ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो 5 to 6 आवर में क्या चेंजेस आते हैं इस फाउंडेशन को लगाने के बाद, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको लगाने से पहले थोड़ा सा इस फाउंडेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके के कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है, ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड बॉक्स है। तो ओपन कर लिया है मैंने, और इसको मैंने एक बार ट्राई करके देख भी लिया है, बट मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी। इसको आपको लगाने के बाद आपके सामने ही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इस वजह से मैं अभी आपको कुछ नहीं बताने वाली इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ, तो इसका प्राइस इसमें रिटर्न है, इसका प्राइस है 1099 रुपीज़, बट ये मैंने नायका से ख़रीदा था, 1044 रुपीज़ में मुझे मिला था, हल्के फुल्के डिस्काउंटेड प्राइस में मिला, ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता इस पर। तो अगर ये फुल कवरेज फाउंडेशन है और ये अपनी सारी चीज़ों को क्लेम करता है, तो इसका प्राइस वर्थी है, अदरवाइज़ वेस्ट ऑफ मनी है। एक बात बता दूँ, ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इसे मैंने खुद के पैसे से ख़रीदा है, और एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो भी आपको दिखेगा वही रियल होगा। तो इसमें अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ, तो 30 ml की आपको इसकी क्वांटिटी मिल जाती है। ओपन करने पर ये कुछ इस तरीके के ब्यूटीफुल से बॉटल में आता है। ये एक प्लास्टिक की बॉटल है, जो है कैप कुछ इस तरीके की ब्राउन शेड की ब्यूटीफुल सी कैप है। यहाँ आपको पंप मिल जाता है, और अगर मैं शेड की बात करूँ, तो शेड मैंने लिया है इसका 06 इसका शेड है। और इसके बारे में एक ड्रॉबैक मुझे ये लगा कि इसके ओनली आपको 6 शेड मिलते हैं, तो हर एक स्किन टाइप के अकॉर्डिंग शेड नहीं मिलेगा। तो ये शेड जो है टचवुड मेरे स्किन जो टोन का ही है, मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो मुझे डाउट था कहीं शेड ना गलत आ जाए, तो 06 जो सबसे डार्क शेड था मैंने वही मंगाया, तो वो शेड एग्जैक्टली मेरी स्किन पर जा रहा है। तो अगर आपकी स्किन मेरी स्किन टाइप की है, लाइक ब्रिटिश स्किन है, येलो अंडरटोन है, तो आप 06 नंबर ट्राई कर सकते हैं। मैं इसे लगा के भी आपको दिखाऊंगी। ओपन करने पर आपको यहाँ पंप मिल जाता है, पंप से यूज़ करना जो है फाउंडेशन को ईजी होता है, क्योंकि हमें जितना भी पंप चाहिए हम यूज़ कर सकते हैं, और वेस्ट नहीं होता प्रोडक्ट। तो अगर मैं इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ, तो आप ये देखिए लिक्विड ही बिल्कुल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा थिक है। तो इसकी कंसिस्टेंसी थिक है इस तरीके से, और ज़रा सा मैंने इसे लगाया था तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो गया है, और ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो आप अगर 1 से 2 पंप भी लेते हैं अपने फेस के लिए तो इनफ है, और अगर बिल्डअप करना चाहते हैं, अगर हैवी कवरेज चाहते हैं, तो आप बिल्डअप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा थिक है इसकी। तो इसको लगाने से पहले मैं फेस पर कोई भी कलर करेक्टिंग नहीं करूंगी, और किसी भी तरीके के कंसीलर का यूज़ नहीं करूंगी, और हम देखेंगे कि ये क्या जो भी इम्परफेक्शन है उसको अच्छी तरीके से हाइड करता है या नहीं करता, क्योंकि कंसीलर या करेक्टर यूज़ करने के बाद हमें इतना अच्छा तरीके से पता नहीं चलेगा। अदरवाइज़ अगर आप मेकअप करते हैं तो आप कंसीलर का यूज़ कर सकते हैं, करेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको इसका
पूरा प्रॉपर जो रिजल्ट है दिखाने के लिए कंसीलर का आज यूज़ नहीं करूँगी। तो चलिए हम इसे फेस पर लगा के देख लेते हैं। जैसे मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, अब मैं अपने फेस पर प्राइम मॉइस्चराइजर लगाऊंगी और प्राइमर लगाऊंगी। रेजिना का हाइड्रा बूस्ट यूज़ किया है, समर के लिए काफ़ी अच्छा है, वाटर बेस होता है, फेस पर चिपचिपा बिल्कुल नहीं लगता। तो मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। प्राइमर के लिए रेनी का बॉलीवुड फिल्टर प्राइमर यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा प्राइमर है, आपके पोर्स को बिल्कुल फिल कर देता है। तो जहाँ जहाँ ओपन पोर्स है मैं लगा लूँगी, फेस की शाइन को बिल्कुल ही कंट्रोल कर देता है फ्रेंड। तो बहुत अच्छा प्राइमर है, स्पेशली समर टाइम के लिए। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ शाइन थी बिल्कुल कंट्रोल हो गई है। फाइनली फाउंडेशन को यूज़ करने का टाइम आ चुका है। तो हाफ फेस पर हम यूज़ करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर का और हाफ फेस पर हम यूज़ करेंगे ब्रशेस का, ताकि दोनों में डिफरेंस पता चल सके। तो एक पंप मैंने अभी यूज़ किया है और मैं हाफ फेस पर लगाऊंगी, यहाँ पर भी लगा लूँगी, थोड़ा सा और लेंगे। वन एंड अ हाफ पंप मैंने लिया है और इनफ है वन एंड अ हाफ पंप आपके फेस के लिए। हमेशा फाउंडेशन जब भी आप लगाते हैं तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे ही लगाना चाहिए, बाद में आप कवरेज बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आपका मेकअप काफ़ी ज़्यादा पैची हो जाता है, स्पेशली समर के टाइम पर। पैक का ब्यूटी ब्लेंडर यहाँ यूज़ किया है और मैं इस तरीके से टैप टैप करके ब्लेंड कर लूँगी। तो ये इस टाइम जो है थोड़ा लाइट लग रहा है मेरे फेस पर, जब ये अच्छी तरीके से फ्रेंड ब्लेंड हो जाएगा तो एग्जैक्ट मेरी स्किन टोन का हो जाएगा। मैंने जबकि कंसीलर का कोई यूज़ नहीं किया, करेक्टर का कोई यूज़ नहीं किया, बट कुछ भी विजिबल नहीं है और इट इज़ ओनली फर्स्ट लेयर। मैंने एक लेयर अप्लाई की है। यहाँ मैंने पैक का ब्रश यूज़ किया है, नंबर है इसका 265, तो इट इज़ कबूकी ब्रश। तो इस तरीके से हाफ फेस पर ब्रश का यूज़ करेंगे। ब्लेंडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब ये साइड है ब्रश का और ये साइड है ब्यूटी ब्लेंडर का, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही साइड से काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लेंड हुआ है। एक और लेयर हम इसकी अप्लाई करते हैं, एक पंप मैं लूँगी, ज़्यादा नहीं, ओनली वन पंप। तो ये लगाने के बाद हैवी बिल्कुल भी नहीं लग रहा फेस पर और ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छी तरीके से हुई है। और अभी मैंने कॉम्पैक्ट से सेट नहीं किया, बट मेरा बेस मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा ऑयली हो या चिपचिपा सा, एकदम सेट लग रहा है फाउंडेशन। आप देख सकते हैं फाउंडेशन बहुत इवनली सेट हो गया है। तो डेफिनेटली इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, हाई कवरेज देता है ये। फिनिशिंग इसकी मैट फिनिश है, तो आप देख सकते हैं फिनिशिंग बिल्कुल प्रॉपरली मैट है। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्किन को प्रेप करना पड़ेगा इसको लगाने से पहले, और ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। हैवी कवरेज चाहते हैं तो आप एक लेयर और अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बहुत कम अमाउंट में इसे अप्लाई किया और आप देख सकते हैं फेस मेरा इवन लग रहा है, कोई कंसीलर का यूज़ नहीं किया फिर भी फेस जो है काफ़ी ज़्यादा इवन लग रहा है। यहाँ हल्की फुल्की डिस्कलरेशन थी जो हाइड हो चुकी है। एक ड्रॉबैक ये है कि शेड जो है एग्जैक्ट शेड आपका नहीं मिलता, बट ये देखिए जब मैंने लगाया था थोड़ा वाइट लग रहा था, बट अब ये एग्जैक्ट मेरी स्किन का ही लग रहा है। नहीं, हल्का फुल्का मेकअप करने के बाद आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है फाइनल लुक, आप देख सकते हैं इस फाउंडेशन को यूज़ करने के बाद अब ये है मेरा फाइनल लुक। फाउंडेशन काफ़ी अच्छी तरीके से फेस पर सेट हो चुका है, कंसीलर यूज़ नहीं किया, कोई करेक्टर यूज़ नहीं किया, फिनिशिंग अच्छी है, पिगमेंटेशन बिल्कुल अच्छी तरीके से हाइड हो चुकी है। तो आप टाइमिंग देख सकते हैं, यहाँ 2 बजने वाले हैं। तो फ्रेंड 3 आवर बाद मैं आपको वो फेस दिखाती हूँ कि 3 आवर बाद मैंने कोई टचअप नहीं किया है, कॉम्पैक्ट से सेट नहीं किया है, उसके बाद आप फेस देख सकते हैं फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, फाउंडेशन स्टिल काफ़ी अच्छा लग रहा था। नोज़ के अराउंड थोड़ी शाइन आई, बट अगर आप कॉम्पैक्ट से सेट करते हैं तो वो भी ओके है। तो ओवरऑल फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, लगाने के बाद ईजी टू ब्लेंड है, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी इजीली ब्लेंड हो जाता है, ब्रश की हेल्प से भी इजीली ब्लेंड हो जाता है, ब्लेंडिंग में कोई दिक्कत नहीं होती। और इसके बाद स्वेट अगर आपको आता है तो स्वेट को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है,
और इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा मैट है, एकदम मैट फिनिश देता है, तो समर के लिए बेस्ट है। अगर चिपचिपी गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, तो आप इसे ट्राई कीजिए। चिपचिपी गर्मी के लिए बेस्ट है। अगर एयर कंडीशनर रूम नहीं भी है तब भी आप इसे अप्लाई करते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके फेस से ये बह रहा है, और लॉन्ग लास्टिंग है, आप फेस पर देख सकते हैं, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। तो ये फाउंडेशन मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिए। और वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इसी तरीके की और रिव्यू वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं इसी तरीके की और वीडियोज़ के साथ, टिल देन बाय बाय।